से पैसे भी कमाए जाते हैं। जो गरीब है उसको खुद से पे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हैंग करता था, मेरे को नहीं पता था कि इससे अच्छा भी मोबाइल आता है। आई होप कि सब मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जिसने अपने ही दम पर यूट्यूब को दोस्तों हैरान करके रख दिया, यानी कि दोस्तों एक अजब ही अलग ही मिसाल दे रखी है दोस्तों, मतलब कि अपने खुद के दम पर 16 मिलियन सब्सक्राइबर बन गया दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। आज आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हो तो किस लिए दोस्तों? इसके लिए, और बहुत सारे लोग होंगे जो फैन फॉलोइंग के, लेकिन दोस्तों आज मेहनत करा था तो किसके लिए? पैसे के लिए दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिला, मतलब एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूँ जिसके सामने मैं तो बहुत छोटा हूँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल पर आने की मेहरबानी की दोस्तों। आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आपको अगर पसंद आए तो। और दोस्तों मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ, उनका नाम है दोस्तों प्रजापति न्यूज़। दोस्तों आप अच्छी तरीके से ही पहचानते होंगे, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हमारे चैनल पर आने की मेहरबानी दिखाई है। तो चलिए दोस्तों उनके बारे में कुछ जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी स्टार्टिंग की थी, उनके पास पहले फ़ोन कौन सा था, आपकी इनकी पेमेंट कितनी आई थी पहली, या फिर इन्होंने किस तरीके से स्टार्टिंग की थी अपनी यूट्यूब जर्नी को, सारा कुछ आज डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है। सबसे पहले अच्छा आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी एज कितनी है, किस एज में आपने किस लेवल पर आप जाकर। और मेरा एज है 22 साल, मात्र 22 साल का एज है मेरा, और मैं रहने वाला हूँ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव संपूर्णा नगर का रहने वाला हूँ। और प्रेजेंट टाइम में मैं बताऊँ तो प्रेजेंट टाइम में मैं बरेली के अंदर में रहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, जहाँ का बर्फी और झुमका बहुत ही फेमस। अगर आपसे ये कहूँ, कोई भी बंदा, कोई भी यूट्यूबर, अगर वो यूट्यूब पर सफल होना चाहता है और ना ही उसे कैमरे पे बोलना आता, ना ही उसे आवाज को रिकॉर्ड कर पाता है अच्छे से, या फिर वॉइस भी अच्छी नहीं कर पाता, तो वो YouTube पर सफल होना चाहता है, तो वो क्या संभव है कि अपने YouTube पे संभव हो सकता है, थोड़ा सा आप बताइए इस पे। हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के यूट्यूबर आते हैं सामने, एक तो जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और एक जो मिडिल फैमिली से, जहाँ जिसके पास पैसे वैसे सब कुछ है लेकिन उसको यूट्यूब पे जाना होता है। जैसे की बताया, यहाँ दो टाइप के लोग होते हैं, जो एक गरीब होता है वो खुद से ही करना, जो गरीब है उसको खुद से पे करना पड़ेगा, लेकिन वो जब यूट्यूब पे आएगा तो उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे पे करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको खुद से ही सारा के सारा काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर वो अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है, स्क्रिप्ट भी खुद ही लिख रहा है और उस वीडियो को डाल रहा है, तो वहां पे उसका फेस तो जा ही नहीं रहा है, कोई देख तो रहा नहीं उसको। सही बात है, एक बैकग्राउंड में बैठ कर ही काम कर रहा है, तो वैसे भी कोई उतना वो नहीं है कि उसको लोग देखेंगे तभी जाकर के ग्रो होगा। सही बात है, है ना, एक बैकग्राउंड में बैठ करके भी आराम से अच्छे तरीके से वॉइस ओवर करके, क्योंकि दुनिया को क्या लेना है कि किसकी आवाज है किसकी नहीं है, वो जैसा भी आवाज रहे लोग पसंद जरूर करते हैं उस चीज को। बस दुनिया को सीखना जवाने है। एक जवाने की हम बात बताएं, जब हमने यूट्यूब पे शुरुआत किया था तो हमारे पास भी एक माइक नहीं था अच्छा से, तो हम क्या करते थे कि जो हम हेडफोन यूज करते हैं घर पे, उसी हेडफोन से हम लोग वॉइस ओवर किया करते थे और खुद ही स्क्रिप्ट लिखा करते थे। आपकी पूरी टीम हो गई होगी? पूरी टीम है आज के दिन में हमारे पास। चलिए, इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि आप अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताइए कि आप पहले क्या करते थे, आपके घर वाले की हालत कैसी थी, या फिर आपकी फैमिली कैसी थी, थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने अपना क्लास 10th और 12th पास आउट किया, और फिर उसके बाद जब मैं 12th पास आउट कर लिया तो फिर मैं बहुत सारे यूट्यूबर को देखा करता था उस समय। जब मैं आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं यूट्यूब पे आया था तो उस समय अमित भटाना को देखा करता था, टेक्निकल दोस्त हो गए, टेक्निकल गुरुजी हो गए, माई स्मार्ट सपोर्ट हो गए, तो इन लोग को देखा करता था, हर्ष बेनीपाल हो गए, तो इन लोग को देख करके एक अंदर से हमारा भी मोटिवेशन होता कि यार ये लोग इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो हम भी यूट्यूब पे क्यों ना वीडियोस बनाएं। ये बताइए कि आपके पास कितने प्ले बटन, आपके कितने अवार्ड आए यूट्यूब से, मतलब आप 9-10 चैनल चलाते हो तो? प्रेजेंट टाइम में बताऊं तो मेरे पास है, ऑडियंस को बता सकते कम से कम है मेरे पास 4 से 5 बटन रखे हुए हैं। डायमंड मतलब 10 मिलियन पे मिलता है? जरूर से जरूर दिखाऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको डायमंड प्ले बटन दिखाता हूँ। देखिए, हाँ, 10 मिलियन पे मिलता है और बहुत भारी होता है, क्योंकि
जो भी क्रिएटर आपको दिखाएगा उसको देख करके लगेगा नहीं कि ये बहुत भारी होगा, लेकिन बहुत भारी होता है। और मैं आपको खोल करके इसको निकाल करके दिखाता हूँ। ऐसा एक हैंकी भेजता है जिसको डायमंड प्ले पर एक बटन को पोछने के लिए क्लीन करने के लिए। ओ, बहुत भारी है। देखिए हाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और भी, पहले डायमंड प्ले बटन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है डायमंड प्ले बटन और ये हो गया हमारा सिल्वर प्ले बटन जो मिलता है हम लोग को 1 लाख सब्सक्राइबर पे। इसको साइड पे रख देते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं गोल्डन प्ले बटन जो मेरा फेवरेट है। डायमंड भी मेरे को उतना खास नहीं लगा जितना मेरे को गोल्डन खास लगा। देखिए ये बटन है हमारा गोल्डन प्ले बटन है जो मिलता है गोल्ड है। तो इसको भी साइड में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। और भी मेरे पास पड़े हुए एक दो बटन और भी हैं। देखिए एक ऐसा बॉक्स आता है जो सिल्वर प्ले बटन होता है उसका ऐसा बॉक्स होता है और उसके अंदर एक ऐसा कुछ मिलता है जो कि मतलब खराब ना हो उसके लिए मिलता है। और दिखा देता हूँ, देखिए कुछ ऐसा रहता बटन, इसके अंदर ही पैक है ये। तो मेरा दोस्त, आप लोगों को इनकी जर्नी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, इनका बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा आपको, इनका जो एक्सपीरियंस है जो सीखने के लिए मिला होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इनके चैनल पर जाना है तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आप सर्च कीजिए, इतना बड़ा चैनल है यार, लिंक देने की क्या जरूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग।